नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान मित्र न्यूज़ निकल में। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जो हमारी पत्ता गोभी की फसल है, जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हमारी पत्ता गोभी की क्रॉप लगी हुई है। तो आपने इसमें कभी भी आज की जो फसल होती है उसमें सीज से निकलते हुए नहीं देखा होगा। जैसे कि आप आपकी जो फसल लगाते हैं पत्ता गोभी की, इसमें आपने घर पर या आपके खेत पर जो इसमें सीड से निकलते हैं उनको निकलते हुए नहीं देखा होगा, ना ही आपने घर पर कभी सीड से तैयार किए होंगे। और इसी प्रकार जो आपकी फूल गोभी की फसल होती है उसमें यदि आप देखे होंगे कि उसमें सीड से निकलना जो आप हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है, और यदि आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो उसमें सीड से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले जो पत्ता गोभी की फसल होती है उसमें सीड से निकलते नहीं हैं। क्यों नहीं निकलते हैं और इसका क्या रीज़न है और किस प्रकार इसके सीड्स तैयार होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ए टू जेड पूरी प्रोसेस बताएंगे। और इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कंपनी इन हाइब्रिड बीजों का आपके लिए प्रदान करती है और किस प्रकार इसका चयन किया जाता है। साथ ही आपको क्या करना होगा कि जो आप पत्ता गोभी के पौधे देख पा रहे हैं, आपको क्या करना है कि जो पौधे हैं, जो आपको आपकी पत्ता गोभी के क्रॉप के पौधे हैं, ये इसमें जो आपकी फूल लगे हुए हैं, ये फूलों का साइज और आपको सबसे अच्छे वाले पौधे ही इस बीजों के लिए आपको चयन करना है। क्योंकि जो आप छोटे बीजों का चयन करेंगे तो आपके जो बीज होंगे वो उत्तम क्वालिटी के नहीं होंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो आप पत्ता गोभी के पौधों का चयन करें तो कम से कम एक फूल का जो वजन होता है 1 से 1.5 kg के बराबर में होना चाहिए, और आपका जो फूल और पत्ता गोभी है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपके जो बीज होते हैं वो उत्तम और अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार होंगे। तो आप ये पौधे हमारे देख पा रहे हैं, इसमें हमने जो पुरानी कटिंग की है जो, तो आप इनको देख लीजिए, इनको हमने 2 से 3 दिन पहले कटिंग की थी। अब हम आपको लाइव डेमो के साथ कटिंग करके बताते हैं कि आप पत्ता गोभी की इस प्रकार कटिंग करेंगे तो इसमें से क्या होगा कि नई शाखाएं और ब्रांचिंग निकलेंगी। और जैसे कि आपने फूल गोभी में देखा होगा कि जो सरसों होता है, सरसों में जो फलियां लगती हैं, इसी प्रकार जो फूल गोभी में हमारे बीज तैयार होते हैं, जिस प्रकार मूली के बीज तैयार होते हैं, इसी प्रकार इसमें से नहीं, जो हमने कटिंग की है इसमें आप देखेंगे, इसमें से अभी नहीं, जो 8 से 10 दिन बाद इसमें से नई धीरे धीरे शाखाएँ निकलेंगी, नई ब्रांचेस से निकलेंगी और इसी में से हमारे फूल निकलेंगे। और जो सरसों देखा है तो इस सरसों के टाइप ही इसमें हमारे बीज तैयार होंगे। तो किसान साथियों, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन एक ही पौधे में आप 10 से 20 ग्राम बीज तैयार कर सकते हैं। जो आप 10 ग्राम की मार्केट से हाइब्रिड की सीड्स की जो एक 10 ग्राम की पैकेट लेकर आते हैं तो उसका MRP 200 से 300 रुपये के बीच में होता है, लेकिन आप एक ही पौधे से जो आपकी पत्ता गोभी की क्रॉप है, इस एक ही पौधे से आप 10 से 20 ग्राम के सीड्स हाइब्रिड जो कि आप घर पर ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि पत्ता गोभी के जो सीड्स, बहुत ही कम लोग इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, और कंपनी वाले भी आपने देखा होगा कि कभी किसी को नहीं बताते कि किस प्रकार जो पत्ता गोभी के सीड्स हैं उनको घर पर हाइब्रिड के तौर पर तैयार किया जा सकता है। आपने स्वयं देखा होगा किसान साथियों कि जब आप पत्ता गोभी की फसल आपके खेत में लगी होती है और जो हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार रहती है, यदि आप उसकी 1 मंथ या 2 मंथ या बल्कि 3 मंथ उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो पत्ता गोभी है वो सेम टू सेम ही रहेगी, सूख जाएगी, लेकिन उसमें से आपको सीड्स नहीं निकलेंगे और ना ही उसमें से शाखाएँ निकलेंगी। आपने बहुत बार देखा होगा। चलिए, तो आप इसमें किस प्रकार कटिंग करते हैं हम इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो धारदार हथियार होते हैं, जैसे कि आपकी छुरी जो चाकू बोलते हैं, उससे क्या करना है कि आप देखिए इस प्रकार से एक चीरा इस तरीके से लगाना है, और जो आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से दूसरा क्रॉस में एक चीरा इस तरीके से लगाना है। आप थोड़ा गौर से देखिए, चीरा लगाना है,
जीरा इतना गहरा नहीं लगाना है कि आपके नीचे तने तक पहुंच जाए। जो आपको कट लगाना है वो इतना लगाना है कि दो इंची के लगभग ही कट लगाना है। यदि आप इसका मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं तो पहले आप इनको जो पत्तों की कटिंग है इनको इस प्रकार हटाइए और फिर आप डबल से इसके मेन पॉइंट तक कट लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका जो आप हमने जो कट लगाया आप इसको देखिए और इसके आपके मेन पॉइंट तक पहुंचना है और इसको इस तरीके से कट करके मेन पॉइंट पे ला के इसको ऐसे करके छोड़ देना है। तो इसमें से क्या है कि नई शाखाएँ निकलेंगी और इसी में से आप सीड्स तैयार होंगे। किसान साथियों, मैं आपको एक बार किसी दूसरे नए पौधे में फिर से कटिंग करके बता देता हूँ। आपको कटिंग का मेन पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि यदि आप मेन पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो फिर इसमें से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, इसलिए आपको मेन पॉइंट तक ही कट लगाना है, ज़्यादा गहरा भी कट नहीं लगाना है। जो आपको हम मेन पॉइंट बता रहे हैं आप इस मेन पॉइंट तक कट लगा सकते हैं। देखिए, अब हमने ये पौधा लिया, आप पौधा को देख सकते हैं खूब ही अच्छी तरह से ग्रोथ करे हुए है और अच्छी क्वालिटी में हमारी जो पत्ता गोभी का पौधा है वो स्वस्थ और करीब करीब 1 से 1.25 किलो के बीच में इसका वेट होगा। तो आप इस तरीके के पौधे लें और आप देखिए इसमें अब हम मेन पॉइंट तक कट लगाते हैं। तो हमने ये एक इस तरह से जो कट लगाया आप देखिए, और जो दूसरा कट लगाना है इस तरीके से जो हम कट लगा रहे हैं ये दूसरे तरीके से हमने कट लगाया। अब हम इस जो हमने कट लगाया इनको आप अलग कर दीजिए। किसान साथियों, यदि आप इनकी सब्जी बनाना चाहते हैं या कोई आपके बगल में तो आप इनको दे ही सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इनको जो बर्तन होते हैं तसला या कुछ भी उसमें स्टोर करके रखते जाइए तो आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। जो कोई बेस्ट नहीं है वो सही है, जैसे आप घर के काट की सब्जी बनाते हैं तो इसी प्रकार आपको इसको फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आपको फेंकना है तो आप फेंक ही सकते हैं। तो चलिए, हमने जो इनको अलग किया और अलग करने के बाद ये आपका जो मेन पॉइंट है इस तक ला के हमें इसको छोड़ देना है। अब किसान साथियों, बात आती है कि इसमें कितने दिनों बाद ब्रांचेस निकलेंगी और कितने दिनों बाद इसमें हमारी जो बीज हैं वो तैयार होंगे। तो किसान साथियों, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, 3 से 4 मंथ तक आपका बीज पककर तैयार हो जाएगा जब से आपने इसमें मेन पॉइंट में कट लगाया है। अब क्योंकि किसान साथी शुरू से लेकर इसमें 7 से 8 महीने का प्रोसेस होता है जब से आप नर्सरी डालते हैं। तो आपकी जब पत्ता गोभी की फसल यदि तैयार है तो आप इसमें 10 से 15 या जितने आपको सीड्स तैयार करने हैं उतने आप पौधों में कट लगा के सीड्स तैयार कर सकते हैं। इसमें जो किसान साथी हमारा अगला इसमें खाद और दवाई और जो इसकी ब्रांचेस कब निकलेंगे कैसे निकलेंगे इसके लिए हम पार्ट 2 का वीडियो लेकर आएंगे। अभी हमने कट लगा दिया है, हम 15 से 20 दिन बाद दूसरी वीडियो में हम आपको जो हमने कट लगाए हैं इन्हीं पौधे का लाइव डेमो बताएंगे कि इनमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और किस तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं और इसमें कौन सी दवाई का छिड़काव करना है या आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, तो वो हम आपको सेकंड पार्ट में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। तो किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में यदि आपको कोई चीज़ या डाउट हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आपका उत्तर देने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।